नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल चास कुमार में आपका फिर से एक बार। दोस्तों इस जगह पे आए हम भारत के सबसे जहरीले सांप, साथ ही साथ भारत के सबसे रहस्यमय सांप को आज़ाद करने के लिए, रिलीज करने के लिए। साथ ही साथ थोड़ी जानकारी भी दे दूंगा आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास है भारत का सबसे जहरीला और सबसे रहस्यमय सांप। अब रहस्यमय क्यों बोला है मैं इसको बताऊँगा, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इसको, दिखाइए कितना शांति से बैठा हुआ है। यह है भारत का सबसे जहरीला सांप करेट, और रहस्य में भी इसे हम दोस्तों बहुत ही फुर्तीला है, रात में फुर्तीला रहता है लेकिन अभी दिन में भी फुर्तीला ही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है कोई करेट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों ये सांप रहस्य में इसलिए बोला मैंने आपको क्योंकि ये सांप रात को चुपचाप बिस्तर में आ जाता है। रात को जो हमारे ग्रामीण भाई खास करके सोए रहते हैं नीचे ज़मीन पे, या फिर कभी कभी खटिया भी बिछाया जाता है, बस खास करके ठंडी के दिनों में ये मनुष्य शरीर की गर्मी लेने के लिए उनके बिस्तर में छुप जाता है, और उनका हाथ पैर इसको लग गया गलती से या वो पलट गए नींद में, चुपके से काट लेता है। और दोस्तों ये थोड़ा घायल भी है, इसका घाव दिखाइए, ये इसके गुदा द्वार के लगभग से घायल है। रात को कुछ लोगों ने इस पर हमला किया था और मुझे पता चला जैसे ही, तो मैं जाके इस सांप को बचाया। रात को इसको पकड़ा था दोस्तों, कुछ लोग इसे मार रहे थे, जैसे मुझे खबर मिली मैं पहुंचा तुरंत, तो इस सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया और अभी इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, पहले दिन में इतना एक्टिव नहीं होता है लगभग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा है। इसको पहचान लीजिए, इसका काला शरीर, नीचे से थोड़ा पीला, सफ़ेद पीला, दो दो की बनी हुई लाइनिंग में धारिया, सफ़ेद लाइन धारिया। ये देखिए कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव है, इसकी जीभ गुलाबी होती है। हाँ हाँ, देखिए कितना सुंदर दृश्य पैदा कर रहा है, ये खुद ही हिल रहा है दोस्तों, मैं नहीं हिला रहा इसे आज़ाद होने के लिए। अब रहा हूँ दोस्त, तुम्हें आज़ादी करने के लिए आए हम यहाँ पे, तो कुछ लोगों का इसको यानी पत्थर से मारा था तो मार लग गया था, तो फिर भी हमने इसे बचा लिया और ये अपनी प्रकृति में हम इसे सुरक्षित रूप से छोड़ देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हाँ इसका मैं स्थानिक नाम बता देता हूँ, स्थानिक नाम इसे हमारे विदर्भ में, नागपुर में और नागपुर के आजूबाजू के जिलों में दांडेगार, इंग्लिश में क्रेट, कॉमन क्रेट, और हिंदी में करेट या घोड़ा करेट, इस नाम से भी इसे लोग जानते हैं, या इसका नाम है। तो ठीक है दोस्तों, इसे मैं आज़ाद कर रहा हूँ अभी आपके सामने, इधर लेकर जाती है। ठीक है, अभी रुक गया है, अभी तक कितना एक्टिव था,
मांगू नक्कल। इसका ये रहस्यमय बर्ताव इसे रहस्यमय बनाता है, विशेष बनाता है। चुपचाप आके नींद में काट लेना इसका ये स्वभाव है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये काटता नहीं है, मतलब लेकिन नींद में हाथ पर लगने के बाद ये काटता है। तो ठीक है जाओ दोस्त। ठीक है अभी अभी तक कितना एक्टिव था और अभी कितना? ठीक है जा रहा, बड़े साइज में है काफी। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल का नाम है जास कुमार। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।